चलो आज आज हम लोग सेक्शन टू से लेकर इंशाल्लाह जिंदा रहे तो सेक्शन टेन तक तो रिवाइज जरूर करेंगे और लाइन से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सेक्शन थोड़ा इधर उधर है, बस इसी चैप्टर में बाकी में तो लाइन से ही है, तो ध्यान से सुनते जाना। सेक्शन टू आपको पता है डेफिनेशन का है, सेक्शन थ्री फॉर्मेशन का है, सेक्शन फोर जो है वो आपका मेमोरेंडम का है, सेक्शन फाइव जो है वो आपका आर्टिकल का है, सेक्शन सिक्स जो है वो आपका ठीक है एक्ट टू ओवरराइड आर्टिकल एंड मेमोरेंडम, सेक्शन सेवन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसका इनकॉर्पोरेशन का, सेक्शन एट कंपनी चैरिटेबल कंपनी, सेक्शन नाइन जो है वो है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और सेक्शन टेन जो है वो है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन आर्टिकल, मतलब मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, और सेक्शन टेन ए जो है वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का डिक्लेरेशन, पूरा याद डिक्लेरेशन 11 था पहले ये कट के 10 हो गया थोड़ा अमेंडमेंट हुआ तो 11 है ठीक है, और यहां तक आज सब बड़े-बड़े सेक्शन से, फिर 12 से थोड़े छोटे-छोटे हैं कंपैरेटिवली ठीक है, उसमें आर्टिकल का ऑल्टरेशन वगैरह है तो वो एक वीडियो में अलग से कवर करेंगे, दो वीडियो में मेरे हिसाब से इसका रिवीजन पूरा करेंगे, ध्यान से सुनते जाना। सेक्शन 2 डेफिनेशन के नाम पे हमने इस चैप्टर में तो एक ही डेफिनेशन पढ़ी प्रमोटर, लेकिन जितनी भी डेफिनेशन है हम पूरी कंपनी को अलग-अलग चैप्टरों में डेफिनेशन आती रहती है, सिक्योरिटी की चार्ज की डेफिनेशन, डिपॉजिट की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन भी कवर हो रही है, स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, ये उधर आ गया था फाउंडेशन में तो इतना रिलेवेंट नहीं है यहां पे, लेकिन इस साल के सिलेबस के हिसाब से, इस इंटर के सिलेबस के हिसाब से जितनी भी डेफिनेशन है वो अलग-अलग चैप्टरों में कवर होगी ठीक है। अब हम लोग प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, मेरी तरफ देखो प्रमोटर कौन होता है, प्रमोटर मतलब आप लोग 11th क्लास की डेफिनेशन जो पढ़ते हो वो प्रमोटर वो होता है कि जो कंपनी को स्टार्ट करने के आइडिया को कंसीव करता है, बट यहां पे डेफिनेशन जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या है, प्रमोटर मींस अ पर्सन हु नेम्ड एज प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस और आर्टिकल मेमोरेंडम, जहां उसका नाम किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट में प्रोस्पेक्टस दिया गया, अरे कंपनी के डॉक्यूमेंट में प्रमोटर दिया गया है वो प्रमोटर, हु इज नेम्ड एज प्रमोटर। सेकंड अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द कंपोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को कंट्रोल करता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर कस्टम टू एक्ट एज पर हिज डायरेक्शन, जिसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करेंगे, और थर्ड वो बंदा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है कंपनी के अफेयर्स, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अफेयर्स होता है, तीनों में क्या फर्क है। अभी मेरा नाम प्रोस्पेक्टस में आ रहा है शबीर प्रमोटर है, तो फिर शबीर प्रमोटर है फिर तो उनको देखना ही है, मैं कंट्रोल करता हूँ नहीं करता हूँ, मैं कोचिंग आता हूँ नहीं आता हूँ, मेरे इंस्ट्रक्शन पे मेरे डायरेक्टर काम करते हैं नहीं करते, कुछ देखना ही है, मेरा नाम है ना प्रमोटर, बस नाम ही काफी है, नाम है मेरा। सेकंड मैं कंट्रोल करता हूँ, मैं यहाँ की सारी एक्टिविटीज देखता हूँ ठीक है, मेरे हिसाब से सारे कोर्स डिजाइन होते हैं, फीस स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, मैं सारी चीजें डिजाइन कर रहा हूँ, फिर मैं प्रमोटर हूँ। तीसरा मेरे कहने पर मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते हैं, मैं कहता हूँ तो वो काम होता है, मैं नहीं कहता हूँ तो मेरे कहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर मतलब मैं प्रमोटर हूँ। तो तीन चीजों में अगर मैं तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया में फिट बैठ गया तो मैं प्रमोटर ठीक है। डेफिनेटली फिट आपके हो ही होंगे, मैं एक बार रीड कर देता हूं, प्रमोटर मींस रीड के साथ में करता ही रहूंगा क्योंकि लैंग्वेज भी इतनी जरूरी है। प्रमोटर हु हैज बीन नेम्ड एज प्रमोटर इन द एनुअल लेटर और प्रोस्पेक्टस, सेकंड हु हैज कंट्रोल द अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थर्ड इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, जिसके कहने पर डायरेक्टर्स एक्ट करें। इसके बाद पीछे आ जाओ सीधे सेक्शन 3 में जो है सेक्शन, फिर बोल रहा हूँ इसमें थोड़े आगे पीछे है ना, अपन लाइन से ही चलेंगे। तो थ्री किसका है फॉर्मेशन में दो बातें बताई मेरी तरफ से, पहला कंपनी को फॉर्म करने के लिए, प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए 2% चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, और पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए 7% चाहिए मिनिमम। अब ये 2% और 7% जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को फॉर्म करते हैं तो उस दिन से कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। अब ये जो लोग फॉर्म कर रहे हैं ये सब्सक्राइबर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं सब्सक्राइबर, तो मेमोरेंडम में जिस सब्सक्राइबर का नाम दिया गया है कि जो मेमोरेंडम बनाएंगे आर्टिकल बनाएंगे वो यही दो लोग और साथ, तो प्रोसेस देखे तो पहले फॉर्मेशन होता है फिर इनकॉर्पोरेशन होता है। इनकॉर्पोरेशन एक तरीके से सारे डॉक्यूमेंट बनाना, फाइल करना, सिन नंबर लेना, इनकॉर्पोरेशन। फॉर्मेशन एक छोटा वर्जन है, तो भाई फॉर्म तो भरो पहले, देखो तो सही कौन है, अभी हमें पार्टनरशिप भी चालू करनी तो फिर फॉर्म तो भरेंगे, मिले तो सही
सही कौन पार्टनर है, तीन है, चार है, पांच है, करो तो सही, पहले आपस में एक मीटिंग तो करो, उसके बाद फिर सारा ढांचा तैयार करेंगे, डीड बनवाएंगे, जगह लेंगे, वो चीज चालू करेंगे, और कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड है, जीएसटी नंबर, वो सब लेंगे, फॉर्मेलिटीज करेंगे, बाद में करेंगे, पहले फॉर्म तो हो जाए। तो ये फॉर्मेशन कंपनी का इनिशियल स्टेप है, सबसे पहला स्टेप कि पहले फॉर्म कर लो। तो फॉर्मेशन में कितने लोग, इतने पैसा प्राइवेट कंपनी में दो और पब्लिक कंपनी में। अब इसी सेक्शन में ये भी पढ़ाया था कि अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स 2 और 7 से कम हो जाते हैं एंड कंपनी कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ, तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट 6 मंथ एवरी मेंबर शैल बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ऑफ वो कंपनी के डेब्ट के लिए पर्सनली लायबल। ये बात भी मान लीजिए भी है सेक्शन 6 महीने वाली बात, 3 में 6 महीने वाली बात खास ध्यान रखना। तो अगर 6 महीने तक आप बिजनेस चालू रखें और आपके नंबर ऑफ मेंबर 2 से कम हो गए प्राइवेट कंपनी में और 7 से कम हो गए पब्लिक कंपनी में, तो अब आप कंपनी के सारे डेब्ट के लिए लायबल हो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट 6। स्पीड बताते रहना है ना, ज्यादा अगर कोई देर में हो जाए तो बताते रहना। आगे देखो सेक्शन 3 यहां से, ठीक है, मार्किंग वार्किंग तो हो ही होगी, बस मार्किंग वाली चीज ही पढ़नी है। सेक्शन 3 फॉर्मेशन, कंपनी में भी फॉर्म 7 और मोर पर्सन टू बी फॉर्म वेयर द कंपनी इज टू बी अ प्राइवेट पब्लिक कंपनी, 2 और मोर पर्सन वेयर कंपनी इज टू बी अ प्राइवेट कंपनी, और 1 पर्सन वेयर कंपनी इज टू बी अ ओबीसी, ठीक है। फिर इसके बाद वो 6 महीने वाली बात भी लिखी हुई है 3A में, मेंबर्स सेवनली लाइक आज जब पेज नंबर 2.5 पे आओगे तो वही बात को रामायण को वापस घिसा हुआ है, ठीक है। मेमोरेंडम में इंडिकेट करना पड़ेगा नेम नॉमिनी का, तो ये तो ओबीसी की बात हो गई, और ओबीसी का तो अपन ने अलग से बाद में पढ़ाई है कि नॉमिनी का नाम लिखना है, नॉमिनी को कंसेंट देनी है, तो ओबीसी के बुलेट पॉइंट्स तो बाद में दे रखे, वो वहां पे आएंगे। यहां दे रखा है 3A में, इफ एनी टाइम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो 7 एंड फॉल बिलो 2, अगर 7 से कम या 2 से कम हो जाते हैं कंपनी कैरी ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ, आप 6 महीने ज्यादा बिजनेस चला रहे हो रिड्यूस नंबर के साथ, देन एवरी पर्सन हु इज द मेंबर ड्यूरिंग दैट टाइम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ एंड हु इज अवेयर ऑफ द फैक्ट, ठीक है, शैल बी सेवरली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल ऑफ द डेब्ट्स, वो सारे डेब्ट्स के लिए लायबल। अवेयर वाली बात पे भी अपन ने बहुत चर्चा करी कि उसको अवेयर होना चाहिए, जैसे मैंने कहा था कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर है और एक मेंबर कंपनी के किसी काम से मलेशिया गया और मलेशिया में लापता हो गया, अब पता नहीं जिंदा है मर गया है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं तो यही मान रहा हूँ कि मैं तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ कि जिंदा ही होगा, ठीक है, जब तक लाश नहीं मिल जाती, ठीक है, मैं इंश्योरेंस कंपनी का आदमी हूँ, जब तक लाश नहीं मिलेगी मैं मानूंगा ही नहीं ये मर गया है। तो अब मैं अवेयर नहीं हूँ इस फैक्ट को लेकर कि मैं 2 से, मैं तो 2 ही मान रहा हूँ, और मैं तो बराबर प्रॉफिट में भी जो हिस्सा आता है उसका अलग उसके खाते में डाल देता हूँ, ठीक है, काम तो मैं अकेला ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरी उम्मीद अभी भी यही है कि वो है अवेयर, ठीक है, मेरे दिल में है, मेरे आस पास है, कहीं ना कहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो इन दैट केस आई एम नॉट लायबल फॉर ऑल द डेब्ट ऑफ, क्योंकि अगर कल कोई कर्जा आ गया अराइज हो गया तो मैं बोल सकता हूँ ना देखो मैं तो प्रॉफिट भी इसके लिए निकालता था अलग से, कर्जा आ गया तो मैं अकेला क्यों दूंगा, इसका स्ट्रेन भी लायबल है, इसके घर वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 लोग हैं और कंपनी लायबल है, मैं अकेला क्यों लायबल हूँ, कंपनी के कर्जे कंपनी उतारेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना कितना कठोर प्रोविजन है, एक तो आप 2007 से कम हो गए हो, ठीक है, और आप अकेले लायबल हो जाओगे क्योंकि कंपनी की आइडेंटिटी और मेंबर की आइडेंटिटी तो अलग होती है, कंपनी के लायबल डेब्ट्स के लिए तो कंपनी लायबल है, मेंबर थोड़ी ना लायबल है, लेकिन आप लायबल हो जाओगे बस इतनी सी बात को लेकर कि आप 2 से कम क्यों हुए या 7 से कम, तो सर क्या करें फिर हो जाए कम तो, ठीक है, पढ़ा लो वापस, मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं उतने रखो, 7 से कम हो गए 2 एक्सीडेंट में मर गए, 2 पिट्टू नए ले आओ, नहीं फिर वो 5 को 3 और कम कर दो 2 करके प्राइवेट बन जाओ, और 2 से 1 हो गए ओबीसी बन जाओ, और 1 भी नहीं तो कुछ हो ही नहीं तो लाइबल कौन होगा, ठीक है। तो हर चीज का सॉल्यूशन है, वैसे चलो लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करो। 3 पढ़ा और 3A पढ़ा, इसके बाद 7 आ गया, लेकिन 7 से पहले अपन ओबीसी की भी बात इसी में करते हैं, तो वो कहीं पे दे रखा है अभी पीछे, नहीं कॉर्पोरेशन के बाद दे रखा है, है ना, तो चलो इंफॉर्मेशन उसी समय पढ़ लेंगे, आगे आ जाते हैं, 2 हो गया 3 हो गया, अब बात करते हैं MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पेज नंबर बताओ जल्दी 2.17 सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले तो बात होती है कि मेमोरेंडम होता क्या है, फिर बात होती है व्हाई मेमोरेंडम, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ मेमोरेंडम, व्हाई, दूसरा सवाल, और तीसरा सवाल कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम कि मेमोरेंडम में क्या-क्या कंटेंट। तीन हिस्सों में अपन ने इस सेक्शन को पढ़ा था बहुत अच्छे से, सामने देखो मेरी तरफ, सेक्शन 4
What is memorandum? Memorandum of association is charter of company. It defines the scope, purpose and object of company. It defines the powers of company. ठीक है, ये कंपनी के पावर्स को डिफाइन करता है, स्कोप को डिफाइन करता है. मेमोरेंडम हमें ये बताता है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है. बियॉन्ड जाके कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती. और डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में आ जाएगा. इसमें आ जाएगा तो हमने उधर सीपीटी में फाउंडेशन में पढ़ा. तो कंपनी के साथ जो भी बंदा ट्रांजेक्शंस कर रहा है वो हम ये डीम्ड नॉलेज मानते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस मानते हैं कि उसने मेमोरेंडम पढ़ा होगा. बिकॉज मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. अब कोई भी कंपनी के शेयर खरीदता है तो उसने भी मेमोरेंडम पढ़ा होगा, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि वो जो पैसे लगा रहा है कंपनी उन पैसे का कहां यूज करेगी उसे ये बात की भी बराबर जानकारी होनी चाहिए. एटलीस्ट हम लोग, मैंने कहा था तुम्हें कि हम लोग एक 10 रुपए का पेन भी खरीदते हैं तो पहले उसे चला के देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा. ठीक है, नहीं भी चलेगा तो क्या बिगड़ेगा, 10 रुपए. तो फिर वहां यहाँ पे इतने सतर्क के 10 रुपए की चीज को लेकर, तो वहां पे आप लाखों करोड़ों रुपए जिस कंपनी में शेयर्स खरीद के लगा रहे हो, तो यू शुड नो कि कंपनी उन पैसे का कहाँ यूज करेगी, आपको रिटर्न कितना मिलेगा. तो क्या भी टेंडर का भी रूल यही कहता है कि लेट द बायर बिवेयर. तो यहाँ पे आपको बिवेयर रहने के लिए ये प्रोविजन डाला गया है, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है. एक नेचुरल पर्सन से तो चीजें जाके पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हें पैसे का क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, पैसे कब लौटाएगा, ब्याज क्या है, फलाना क्या है, रिटर्न कितना मिलेगा, सारी बातें आप कर सकते हो. कंपनी से कैसे बात करूं, वो तो वही आर्टिफिशियल पर्सन है. तो इसलिए ये सब डाला गया है कि आर्टिफिशियल पर्सन को हर चीज लिखनी पड़ेगी अपने मेमोरेंडम में, ताकि जो बंदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ही शुड बी, ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कंपनी पैसे को कहां इन्वेस्ट करेगी. इसलिए मेमोरेंडम ऑब्जेक्ट को बताता है, पावर को बताता है. तो सबसे पहले अंडरलाइन तो वही रहा है, मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम. वाओ, मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एंड ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. मेमोरेंडम मतलब क्या, मेमोरेंडम मतलब जिस दिन उन्होंने नाम दिया मेमोरेंडम उसे हम कहेंगे मेमोरेंडम. बट हमारे हिसाब से मेमोरेंडम की सही परिभाषा क्या है, नीचे दे रखी है कि इट इज द बेस डॉक्यूमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. और उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़े थे. क्यों मेमोरेंडम, व्हाई मेमोरेंडम, क्यों बनाना है मेमोरेंडम. पहला, इट कंटेन द ऑब्जेक्ट फॉर दिस कंपनी इज फॉर्म. ये हमें बताता है कि कंपनी फॉर्म क्यों हुई है. स्कोप बताता है कि इसके बियॉन्ड जाके आप कोई भी काम. सेकंड, इट इनेबल द शेयर होल्डर क्रेडिटर सबको इनेबल करता है, ऑल दोस टू डील विद द कंपनी टू नो व्हाट द पावर्स आर कंपनी, कि कंपनी की क्या-क्या ठीक है. तो इट इनेबल द पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी to know the powers, object and scope of the company. It enable, तो ये enabling provision है. ये आपको जानकारी देता है, ये आपको बताता है कि जिस कंपनी के साथ आप डील कर रहे हो उसकी पावर क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है, और वो कंपनी के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए. enabling provision है. क्या है? It enable, it gives you power, it gives you information. What? Memorandum. Memorandum. दूसरा, तीसरा, it is a public document. ये public document है, ठीक है. 2 रुपए 5 रुपए खर्च करो, memorandum की copy मिल जाएगी आपको, ठीक है. जिस भी कंपनी के साथ आप डील कर रहे हो उसका रजिस्टर ऑफिस देखो कहाँ है, जाओ रजिस्टर ऑफिस, वहाँ पे फ्री में memorandum की copy मिलेगी. नहीं तो वो जिस रजिस्ट्रार की jurisdiction में आता है वहाँ जाओ, वहाँ से मिल जाएगा. और इतना भी नहीं करना चाहते हो, ऐसे एक साइट खोलो, कंपनी का नाम डालो और पूरा memorandum आर्टिकल आपको ऑनलाइन फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, PDF फॉर्म में मिल जाएगा. तो इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सब चीज पब्लिक डोमेन में है आपको. लेकिन कौन इतनी मगजमारी करता है, ठीक है, पढ़ते ही तो नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, जानकारी लेते ही नहीं है, इसलिए स्टॉक मार्केट में लॉसेस आते हैं बहुत सारे लोग, पैसा इसीलिए डूब जाता है, ठीक है. तब किसी डॉक्यूमेंट को ढंग से रीड करें, पढ़े, तो अपने आप पता चल जाएगा ये कंपनी मेरे इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं. थोड़ी भी समझे हमें तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल तुक्के में और जुआ समझ के ही पैसा लगा रहे हैं तो फिर अलग बात है, फिर वो तो जुआ समझ के ही लगा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. और जुए में तो फिर ऊपर भी जाएगा शेयर कंपनी ही, तो नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है. आगे देखो, मेमोरेंडम में पब्लिक डॉक्यूमेंट है. और तीसरा, चौथा, शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस फॉर हिज मनी कैन बी यूज्ड एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग. आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हो वो कंपनी आपके पैसे को कहां निवेश करेगी और कौन सी रिस्क आप ले रहे हो कंपनी में पैसा लगाकर. तो चार बातें बताई मैंने. एक तो ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, पर्पस को डिफाइन करता है, स्कोप को डिफाइन करता है. तीसरा, दूसरा,
जानकारी देता है कि कंपनी की पावर्स क्या है, शेयर होल्डर को ये जानकारी देता है क्या आपके कंपनी का पैसा कहाँ है, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो आप इसको कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कभी भी एक्सेस। समझ में आया? स्पीड से ये सेक्शन 4 मेमोरेंडम की परिभाषा, मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट और कंटेंट क्या है, एक एक करके हमने मेमोरेंडम के कंटेंट पढ़े थे। सामने देखो, पहला नेम पुस, पहला नेम पुस, इसमें तीन चार बातें बताई थी जल्दी जल्दी सुन लो। सॉरी, पहला ऑब्जेक्ट क्लोज है, बस इतना लिखा हुआ है कि अ कंपनी शैल स्टेट आफ्टर इट्स नेम पब्लिक लिमिटेड इफ इट लिमिटेड इफ इट्स अ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी। आपको अपने नाम के पीछे लिखना पड़ेगा, लिमिटेड लगाना पड़ेगा अगर पब्लिक कंपनी हो तो, प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा अगर प्राइवेट कंपनी, बस। बाकी फिर नाम की सारी बातें रूल में लिखी थी कि नाम कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना, तो वो भी अपने साथ में पढ़ा था। रजिस्ट्रेशन कैसे देते हैं, नाम का रिजर्वेशन कैसे देते हैं, सबको नाम के बारे में सारी बातें पढ़ी थी। तो पहले इन रिलेशन टू कंपनी नेम क्लोज, द नेम ऑफ द कंपनी विद लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, बस। नाउ दिस क्लोज इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के आगे प्राइवेट या पब्लिक नहीं लगाना, लेकिन आपको ये याद है सेक्शन 8 कंपनी पे प्रोविजन पब्लिक कंपनी के लगते हैं, नाम के आगे प्राइवेट या पब्लिक तो नहीं लगाना, लेकिन उसमें प्रोविजन कौन से लगते हैं, पब्लिक कंपनी, सही बोल रहा हूँ, हाँ, ओपीसी में। तो अब देखो इधर, अब नेम क्लोज से रिलेटेड अगले पेज पे आ जाओ, 2.119 पे, क्या कि नेम के बारे में क्या क्या बता रहा है। यहाँ देखो, आपका नाम बिल्कुल आइडेंटिकल ना हो, नंबर वन, किसी और कंपनी को रिजेंबल ना रखा हो, नंबर टू, और आपके कंपनी का जो नाम है वो अनडिजायरेबल ना हो, क्या ना हो, तीनों वर्ड के अपने मतलब है आइडेंटिकल ना हो, सेम नाम, ठीक है। तो अगर रिलायंस लिमिटेड सेम कंपनी है तो मैं रिलायंस लिमिटेड नहीं बोलूँ, रिजेंबल नाम रखता हूँ। तो जब मैंने रिलायंस लिमिटेड बोली तो मैंने आर ई एल आई ए एन सी और आगे पीछे से ई हटा दिया बस, तो ये भी रिलायंस ही हुआ, मैंने ई हटा दिया बस, तो मेरा नाम उसकी कंपनी को रिजेंबल कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है मतलब मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल ही मिल गया है, बस एक वर्ड का फर्क है, इसे बोलते हैं टू मच रिजेंबल, मिलते जुलते नाम भी नहीं रख सकते अगर उसकी गुडविल को फर्क पड़ जाता है। जैसे मैंने आपको कहा बिस लेरी को बैस लेरी कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्स लेरी, ठीक है, और बहुत सारे नाम है ऐसे, अडिडास को अडिवास, अभिडास, अभिवास, अडिवास। तो इस तरीके से जब आप नाम की पिक्चर बनाते हो तो ये आपकी पिक्चर बना देंगे, ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो किसी और कंपनी को रिजेंबल, आइडेंटिकल भी ना हो, रिजेंबल भी ना हो, लास्ट अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मतलब क्या कि हमारे देश में एक एक्ट है नेम एंड एम्बलेंस है, उसमें बता रखा है कि नाम कैसे होने चाहिए, नेम एंड एम्बलेंस है, उसमें कहते हैं कि भाई अनडिजायरेबल ना हो, जैसे मैंने आपको कहा था किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट ना करे, किसी के पर्सनल सेंटीमेंट्स को हर्ट ना करे, ऐसे कोई नाम ना, ठीक है। तो और अभी जैसे आपको बताया था उस समय भी कि अभी जो हमारे यहाँ है कोई कोई भी चीज़ को लेकर लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, मूवीज अभी सबसे ज़्यादा डर में है मूवी बनाने वाले लोग, इनको इतना डर रहता है बेचारों को, कुछ भी बना देंगे कोई ना कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी हर्ट हो जाता है, ठीक है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई जो देखो वो बैन करने में लगा हुआ है, कुछ भी हो वो बैन हो जाती है हर चीज़, अपने लेवल पर बैन कर देते हैं, हालांकि वो आने वाला समझदार आदमी तो सब समझता ही है, लेकिन चलता तो है प्रोपेगेंडा तो चलता ही। तो कोई भी ऐसी चीज आप रखो ही मत कि प्राइवेसी नाम से ही ऐसा पता चल रहा हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से दूर ही रहो, ठीक है। हालांकि जो नेम एंड एम्बलेंस एक्ट है ना वो कोई प्रोपेगेंडा का एक्ट नहीं है, वो तो बिल्कुल तरीके से बताता है, अगर वो बोल रहा है कि इस चीज को हर्ट हो रहा है तो कैसे हो रहा है उसको भी एक्सप्लेन करता है एग्जाम्पल के साथ, देखो ये नाम रखोगे तो, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर चीज में ही हर्ट हो रहा है। अब एक गाना आ रहा था मुन्नी बदनाम हुई तो मुन्नी हर्ट हो गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा देते हैं, बावले बावले जैसे पीआईए लगा देते हैं, शीला की जमाने में शीला दुखी हो रही है, ठीक है, और पिंकी है पैसे वालों में पिंकी दुखी हो रही है। अब वो गाने बनाने से पहले कितना सोचेंगे यार, अब अगर वो हम मुन्नी नहीं लेते तो चिन्नी लेते तो फिर चिन्नी को बुरा लगता, ठीक है, तो कितना सोचेंगे वो, इतना दूरदर्शी थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है, नाम उन्होंने एंटरटेनमेंट पर्पस से रखा था तो रख लिया, ठीक है,
तो ना आपका वैसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी को भी कोई तरीके का हर्ट हो। और दूसरी बात, ये तो पहली बात अनडिजायरेबल हो, दूसरी बात आपका नाम किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपका पेट्रोनेज शो ना करे। पेट्रोनेज मतलब एसोसिएशन, ऐसा नाम ना हो जिसमें आप इंडिया और हिंदुस्तान या इस तरह के वर्ड यूज करो अंटिल एंड अनटिल सेंट्रल गवर्नमेंट का एसोसिएशन। भारत पेट्रोलियम में भारत है, इंडियन ऑयल में इंडिया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हिंदुस्तान है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है, क्योंकि तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एसोसिएशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपनी कोई भी चीज, BSNL में भी भारत है, ठीक है, तो जो भी चीज वो लोग खोलेंगे वो तो उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें वो इंडिया वगैरह सब यूज करेंगे, लेकिन आप या मैं नहीं कर सकते ये सब यूज, ठीक है, क्लियर है? पढ़ो अंडरलाइन हो ही रखा है, नेम स्टेटेड शैल नॉट बी आइडेंटिकल, शैल नॉट रिसेंबल द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, शैल नॉट बी सच दैट इट विल कंस्टिट्यूट ऑफेंस इन एनी लॉ, इट विल बी अनडिजायरेबल। सब कुछ बराबर ठीक हो रही है, जिसकी भी बुक है जो वर्ड चाहिए वो ठीक हो रहे बराबर, ठीक है, ऑफेंस ना हो और अनडिजायरेबल ना हो। आगे अनडिजायरेबल नेम क्या है नीचे बता रखा है, एनी वर्ड और एक्सप्रेशन which is likely to give impression, any word or expression which is likely to give impression, kitni badi lagi hai, any word or expression which is likely to give impression, theek hai, koi bhi shabd koi bhi expression jo dusre ko ye impression de raha hai, kya impression de raha hai ki aapka naam central government ke sath associate hai, ki company is anyway connected with central government, ki ye company aur ye to bharat ki company karti hai indian process ye तो शायद भारत सरकार चला रही होगी इसको, ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा, लेकिन अगर मोदी कॉलेज है जैसे कोई दिक्कत तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन ही दिखा रहा है, ठीक है, नाम है ना वो तो पहले से है, और क्या पहले से नहीं अभी भी होगा तो नाम है। हालांकि ये लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी सरकार है तो वो भारत सरकार, तो वो वहां गलत हो जाता है, ठीक है, भारत सरकार की कोई भी स्कीम में अगर मोदी सरकार ही लिखते भारत सरकार लिखेगी नहीं, बात एक ही है तेरे मेरे लिए, तो नहीं मोदी इज नॉट इंडिया और ठीक है। आगे अनडिजायरेबल है तुम तो यार जान लो कि पेन मत करो मैं भी भटक जाऊंगा। आगे कोई भी वर्ड और एक्सप्रेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो सामने वाले को ये इंप्रेशन दे कि आपका नाम किसी भी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट है, अंटिल एंड अनलेस कि वो वाकई में एसोसिएट है। जैसे मैंने आपको कहा था कि इस बुक में लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया क्या क्या सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, हेलो तुम इंडिया के साथ अपनी एसोसिएशन दिखा रहे हो सीए वालों, ठीक है, एमबीए वाले तो नहीं होते, एमबीए सेटअप बाय इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, आईटी वाले भी नहीं होते, तुम अपना एसोसिएशन दिखा रहे हो तो भाई हाँ, तो वो लोग भी इसलिए दिखा रहे क्योंकि वाकई में पेट्रोल है, ठीक है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो नहीं दिखा सकते, ठीक है। आगे सच वर्ड और एक्सप्रेशन अनलेस प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सीजी हैज बीन ऑब्टेन, जब तक आपने सीजी का अप्रूवल, सब नाम पे ही चल रहा है, और आपको मैंने कहा था कुछ ऐसे वर्ड है जो लगाने से पहले सीजी का अप्रूवल चाहिए होता है, बोर्ड, काउंसिल, फेडरेशन, चैंबर, इंस्टीट्यूट, एसोसिएशन, ठीक है, इस तरह के वर्ड देखो, बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, स्मॉल स्केल, आदि, विलेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, पंचायत, डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, नेशन, फॉरेस्ट, डेवलपमेंट, स्टैचू, कोर्ट, गवर्नर, इस तरह के सारे सरकारी नाम अगर आप लोगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रीवियस अप्रूवल देना। आगे आओ, हाँ कुछ पूछ रहा था, ये अनडिजायरेबल नाम में चल रहा था, किसमें चल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका पेट्रोनेज शो नहीं करना और कोई भी ऐसा ऑफेंसिव नाम ना हो, क्या नाम हो, ऑफेंसिव नाम, आइडेंटिकल ना हो, रिजेंबल नाम रखा हो, चार बातें याद रखो आपको, तो नाम की पूरी रामायण होगी। अब नाम जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो नाम के लिए जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो आपको अपनी सीट में अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में तीन नाम देने होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वो जो भी नाम आप दोगे, ठीक है, अगर फर्स्ट वाला ही अवेलेबल है तो फर्स्ट वाला मिल जाएगा आपको, सेकंड अवेलेबल है, सेकंड, थर्ड, थर्ड, तीन नाम में तो एक अवेलेबल हो गए, और आजकल तो ये भी नहीं करना पड़ता क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है, तो जैसे ही आप नाम डालते हो तो वहां आ जाता है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, जैसे ईमेल आईडी बनाते हो तो आ जाता है ना नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसे ही यहां पे भी आ जाता है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो वो नाम
मेरी बात सुनो, अब नाम जैसे ही आपका रिजर्व हो गया तो 21 डेज आपके लिए रिजर्व है, ठीक है, 21 डेज, और 21 डेज है आपके पास कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह सबमिट कर दो उस नाम के साथ, 21 डेज हो। अब जब तक सिन नंबर नहीं आएगा तब तक वो नाम आपका नहीं हुआ, रिजर्व हुआ है आपके नाम, इंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई, ठीक है, तो लड़की जा सकती है अभी, ठीक है। अब फाइनल हो जाएगा भाई साहब नाम जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा तो कंक्लूसिव एविडेंस है कि आप एक्ट की सारी फॉर्मेलिटी पूरी। तो देखो रिजर्वेशन, रिजर्वेशन में क्या दे रखा है, अ पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन सर फॉर्म इन सर मैनर विद सर फीस, ये तो यानी है ना प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब मैनर, प्रिस्क्राइब फीस, याद है ना प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मैनर में, प्रिस्क्राइब फीस देकर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हो, रिजर्व करवा सकते हो, रिजर्व द प्रपोज्ड इन इन द नेट टू व्हिच कंपनी प्रपोजेस टू चेंज, या तो नया नाम या चेंज करवा ले, दोनों ही चीजें, लेकिन मैं आपको बता रहा आपसे रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देकर इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, प्रोवाइडेड करके क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम और फॉर चेंज ऑफ नेम एक्जिस्टिंग द रजिस्ट्रार विल रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, मतलब अगर आप कोई एप्लीकेशन देते हो एक तरीके से एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं कि 60 दिन के लिए भी आपका दोनों था, वो देखा था मैं शायद तुम्हें अगली बार बताना भूल गया हूँ, ये दोनों चीज के लिए है, एग्जिस्टिंग नेम के चेंज के लिए भी है, नए नाम के लिए भी है, लेकिन ये पूरा लिखा हुआ है इसमें ढंग से, इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन आना चाहिए यहाँ पे, तो आप एप्लीकेशन देते हो एक्सटेंशन के लिए तो एक्सटेंशन वाली चीज के लिए बात कर रहा है कि आप 60 दिन के लिए करवा सकते हो, प्रोवाइडेड इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन, तो यहाँ एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन आएगा, अगर आप एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देते हो तो आपका नाम रिजर्व हो जाएगा अप्रूवल आने के बाद 60 दिन के लिए। अब हो सकता है आपको रिजर्वेशन एक्सटेंशन ना भी मिले, जो हर किसी को एक्सटेंशन मिल जाएगा तो 30 दिन वाला तो कोई पूरा ही करेगा, हर कोई एक्सटेंशन देकर एक्सटेंशन ले लेगा, एक्सटेंशन कब मिलेगा जब जनरल केस में, तो बता रहा हूं कब मिलेगा, मैं तो मेमोरेंडम आर्टिकल ये शायद बता रहा हूं कि मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह सब वो फाइल कर दिया और अब वहां से दिक्कत आ रही है, वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो मेरे तो 21 दिन आता था वो, तो मैंने तुम्हें कहा था आप पहले सब बना लिया करो, सब अप्रूवल करवा लो बढ़िया, फिर नाम की रिजर्वेशन दिया करो, तो फिर 21 दिन तो यूं ही बजेंगे, ठीक है, कुछ आपकी वजह से कुछ उनकी वजह से फिर वो नाम चला जाएगा, फिर अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बात, तो यहाँ पे 21 दिन को 60 दिन करा जा सकता है अगर आप एक्सटेंशन का अप्रूवल एप्लीकेशन दो, तो ये एक्सटेंशन वाली बात याद रखते हैं, ठीक है। अब कैंसिलिंग, नाम कब कैंसिल हो जाएगा, अगर इफ द कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, देखो अब कंपनी इनकॉर्पोरेट ही हुई, नाम तो आपने रिजर्व करवा लिया लेकिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इफ द कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड द रिजर्व नेम शैल बी कैंसिल, ये बात करी थी, और रिजर्व नेम कैंसिल होने के बाद क्या होगा, रजिस्ट्रार आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग वार्ड देगा और तीन बातें हो जाएगी, या तो आपको बोला जाएगा अगर आपका एक और बात 21 दिन में अगर आपकी कंपनी इंपॉर्टेंट हुई तो वो रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा, अब आपको नए नाम के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, ये एक बात। अगर आपने आइडेंटिकल नाम के साथ या रिजेंबल करते हुए नाम के साथ बोला तो कंपनी खुलेगी आइडेंटिकल, लेकिन अनडिजायरेबल नाम के साथ बोला तो हो सकता है कंपनी खुल जाए गलती से, जैसे आपने कोई ऐसा नाम लिख दिया, कंप्यूटर थोड़ी समझता है किसके सेंटीमेंट का फर्क होगा, कंप्यूटर तो कंप्यूटर है, ले लिया उसने नाम, उसने नहीं देखा ये नाम एग्जिस्ट नहीं करता, ये नाम किसी को रिजर्व भी नहीं कर रहा, ले लिया, लेकिन बाद में विवाद हुआ कि ये नाम तो गलत है, ये किसी के सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भैया आप नाम चेंज करो, आपका ऑफेंसिव है, फलाना है, ढिमकना है, तो उस केस में तीन बातें होंगी, वेयर द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड, ईदर डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज द नेम इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर नाम चेंज करो, ठीक है, या फिर एक्शन लिया जाएगा कि आपका नाम स्ट्राइक ऑफ किया जाए, या फिर आपको पिटीशन लगाई जाएगी कि वाइंडिंग, वाइंडिंग तो बहुत ज्यादा ही हो गया, तो सबसे बढ़िया है पहला ऑप्शन 3 महीने के अंदर अंदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके अपना नाम चेंज। मैं आपको लॉजिक भी बता देती हूं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्यों है, क्योंकि यहां पे सेंटर को रजिस्ट्रार ने कहा है नाम चेंज करने को, तो आपको करना ही पड़ेगा, तो अगर आपने स्पेशल रखते तो ये और रिस्ट्रिक्टिव हो जाता, और स्पेशल में अगर रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाता तो फिर आप कहते कि हमारे तो शेयर होल्डर मान ही नहीं है नाम चेंज करने, तो ये तो मौका मिल जाएगा आपको, तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डिनरी करता है, तो अब आपको सर ऑर्डिनरी में भी नहीं माने तो 51% भी ऑर्डिनरी में, तो कोई रिजोल्यूशन तो होना ही चाहिए नाम चेंज करने के लिए, मैं ऐसे ब्लंटली डायरेक्टली कैसे नाम चेंज कर दूंगा कि अपनी मर्जी से मेरा नाम ऑप्शन भी नहीं है, कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना, मैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाऊंगा दोबारा, है ना, आधार कार्ड में चेंज कुछ तो होगा, घर पे बैठे बैठे मैंने बेकार नाम है ये रखते हैं, ठीक है, तो जैसे मैं अकेला खुद ये अपना ये काम नहीं कर सकता तो कंपनी कैसे कर सकती है, कोई रिजोल्यूशन तो पास करेगी ना ये करने के लिए, तो
ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करेगी 3 महीने के अंदर अंदर, अरे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करेगी 3 महीने के अंदर अंदर, स्ट्राइको हो जाएगा आपका नाम और राइटिंग ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा? जब आप किसी ऐसे नाम से रजिस्टर हो गए हो जो किसी को रिजेंबल कर रहा है, आइडेंटिकल है, अनडिजायरेबल है, ऑफेंसिव है, समझ गए? वैसे तो होना ही चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन, लेकिन किसी कारण से हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब तो मुझे नाम मिल गया, अब तो कोई भी ले सकता है, इंडिया लिमिटेड मिल गया मुझे तो बिना सीजी के अप्रूवल के। ठीक है, किसी गलती से, कोई एरर से, कोई हैकिंग करके, व्हाटएवर, तो ये प्रोविजन जो है ये प्रोटेक्टिव प्रोविजन है कि पहले कोई गलती हो गई, रजिस्ट्रार से हुई, आपसे हुई, किसी से भी हुई, तो ये इनेबलिंग प्रोविजन है कि आप उस गलती को पूरा सही करो, समझ गए? ये सब बातें अभी नाम में ही चल रही है। किसमें चल रही है? सेकंड ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाया था। आई होप कि आपके जो नोट्स बने हुए तो लाइन से ही होने चाहिए, टू से लेकर, ठीक है, आगे देखो अगर बने हुए हैं तो, है ना? तार सेकंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज क्या कहता है कि इस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड उस स्टेट का, इसमें और कुछ नहीं है, इसकी चर्चा हमने सेक्शन 12 में करी है। ठीक है, तो इट स्टेट का नेम ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इन व्हिच इट इज सिचुएटेड। ऑब्जेक्ट क्लोज ये बताता है कि आपका क्या ऑब्जेक्ट है, किस ऑब्जेक्ट के लिए आप रजिस्टर्ड हुए हो। लायबिलिटी क्लोज, लायबिलिटी क्लोज ये बताता है कि अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर्स ने जो शेयर्स ले रखे वहां तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, और लिमिटेड बाय गारंटी है तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अमाउंट यू हैव स्टेटेड इन मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। आपने जब कंपनी फॉर्म करी थी तो उस समय जो आपने मेमोरेंडम में नाम लिखा था आपकी लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक सीमित है, उससे आगे आपकी लायबिलिटी सीमित नहीं है। ठीक है, ये बताता है आपका लायबिलिटी क्लोज। कौन सा क्लोज? इसमें एक बात याद रखना, लिमिटेड बाय गारंटी में और लिमिटेड बाय शेयर्स में एक फर्क है कि लिमिटेड बाय शेयर्स में आपसे पैसा लाइफ टाइम में कभी भी मंगाया जा सकता है, लिमिटेड बाय गारंटी में आपसे पैसा सिर्फ आईडी अपने ही मंगाया। ये बात नहीं तब दूसरी बात, लिमिटेड बाय गारंटी में आप जो पैसा पे करोगे वो वाइंडिंग अप नहीं दोगे, दोगे तीन चीज के, एक तो फॉर द डेब्ट्स ऑफ कंपनी इफ एसेट्स आर अनेबल टू रीड आउट द डेब्ट, एक कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, एक राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरी। राइट ऑफ कंट्रीब्यूटरी मतलब क्या? अगर किसी कंट्रीब्यूटरी को 10 लाख दे देते हैं और उस बेचारे ने डेब्ट चुकाने के लिए 15 लाख दे दिए तो वो 5 लाख रुपए आप भी लायबल हो, मतलब आप उसने ज्यादा दिए वाला आपने कम दिए होंगे। ठीक है, या उसने ज्यादा दिए वाले आपने कम दिए, नहीं दिए उसने तो ज्यादा दिए, तो अब उसने जो ज्यादा दिया है वो शेयर भी तो सब में बंटना चाहिए। सवाल ये उठता है वो ज्यादा क्यों देगा, तो इसमें ऐसा होता है कि अभी जैसे सपोज करो कि मेरी गारंटी कंपनी है, 15 लोगों ने खोली है, तो उसमें मैंने गारंटी दी 15 लाख रुपए, कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो कंपनी के कर्जे उतारने थे। अब कंपनी की एक क्रेडिटर अजीमा है और ये शुरू से मेरे साथ डील कर रही है, तो इसने कहा कि सर ये 20 लाख का मेरा बिल है आप बढ़ दो। तो मैंने कहा यार मैं तो कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो पैसे तो कंपनी देगी, पैसे तो लेकिन कंपनी के ऐसे में भी इनफ नहीं है तो हम देंगे, तो मेरा तो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी 15 लाख का है बस, मैंने मेमोरेंडम में 15 लिखे थे, उससे ज्यादा तो नहीं दूंगा। आज मैंने कहा कि सर 10 साल से कंपनी चल रही है, इसमें मैं आपके फेथ के ऊपर मान देती हूँ, हमेशा मैंने मान दिया है, आपने डिस्काउंट मांगा डिस्काउंट दिया है, और आपके टर्म की वजह से मैं इस कंपनी में जुड़ी हुई हूँ, मैं 15 लोगों में से 14 लोगों को नहीं जानती, पैसे तो आपको ही देने पड़ेंगे और ये सही नहीं है, तो इसके इंसिस्ट करने पर मैंने 20 लाख रुपये दे दिए। अब मेरा शेयर तो 15 लाख ही था तो जो 5 लाख रुपए मैंने ज्यादा दिए हैं वो रिमेनिंग मेंबर्स कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि कंपनी वाइंडिंग अप में जा चुकी है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात बताइए आपकी कि मेंबर डाइवल है जब वो मेंबर है तब तक भी और अप टू 1 ईयर फ्रॉम हिज सीजेस टू बी अ मेंबर, उससे जब मेंबरशिप सीज करी उसके अगले 1 साल तक भी वो डाइवल है। क्यों डाइवल है अगले 1 साल तक? तो इसलिए बताया था कि अगर आज आपके प्लांट की वजह से कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई और आप 2 महीने पहले छोड़ के चले गए तब कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, तो 2 महीने पहले ही छोड़ा है आपने तो आप भी तो पैसा भोगो, आपने भी तो नाम दिया था मेमोरेंडम में और हो सकता है आपके कांड की वजह से मंडी में गई हो, इसलिए 1 साल तक सनी लगेगी आपके ऊपर और वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सवाल होता है कि 1 साल ही क्यों, तो जो लॉ मेकर को उस समय 1 साल सही लगा है तो उन्होंने 1 रखा है, कहीं 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते थे। ठीक है, कहीं तो लिमिट करना था उन्हें, उन्होंने क्योंकि जिंदगी भर के लिए ड्राइवर नहीं होगा, आज किसी कंपनी का वजह छोड़ दिया मेंबरशिप, वो कंपनी 10 साल बाद वाइंडिंग अप में गई तो मैं भी दूंगा क्या वो पैसे, क्यों दूंगा 10 साल हो गए थे वो कंपनी छोड़े, तो इन्होंने 1 साल को क्राइटेरिया बनाया, इसलिए 1 साल 2 को भी बनाया जा सकता था, 3 को भी बनाया जा सकता था, ये उस समय लॉ मेकर ज्यादा अच्छे से जानते जो लोग बनाते। ठीक है, अभी हमारा इतना सबसे पुराना कानून
ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन पेनल कोड और इंडियन एविडेंस है, रिपील हो गए कल पार्टी में, परसों दो दिन में रिपील, पूरे रिपील खत्म। उसकी जगह तीनों नए आ गए, इंडियन सिविल कोड तो बन गया भारतीय न्याय संहिता, संहिता एक्ट 2023, ठीक है, हिंदी नाम कर दिया, और उन्हें पागल नहीं करते रहते, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट को कर दिया भारतीय साक्ष, एविडेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, साक्षात या ऐसा कुछ बोलते हैं, सबूत, तो एकदम हमारी वाली हिंदी होगी, प्योर हिंदी में कुछ बोलते साक्ष्य है, हाँ साक्ष्य बोलते हैं हिंदी में, एविडेंस को साक्ष्य, साक्षी, तमाम सबूतों साक्ष्य को मद्देनजर ऐसा कुछ सुना है, तो भारतीय साक्ष्य सब एक्ट को जो वो नाम दे सकते और सियाल ऋषि हो गए, तो तीनों एक्ट रिपेल हो गए पार्लियामेंट में अभी एक दिन पहले, और तीनों एक्ट रिपेल हो गए, रिपेल का मतलब है बिल्कुल रिपेल हो गए और तीनों की जगह नए एक्ट आता है ईयर भी 2023 हो गई। अब इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करे ऐसा ये लोग कह रहे हैं, तो उसमें डेथ पेनल्टी कुछ चीजों पे जो पहले क्रिमिनल लॉ भी चेंज हुआ है उसमें डेथ पेनल्टी नहीं थी, कुछ चीजों पे उस पे इन्होंने डेथ पेनल्टी भी डाली है, कुछ सजाएं कम करी है, कुछ सजाएं बढ़ाई है, जैसे ड्रंक एंड ड्राइव के केस में सजा 10 साल की कर दी, अगर आप ड्रंक एंड ड्राइव करते हो पहले कम थी शायद, फिर अगर आप रैश ड्राइविंग करते हो ठीक है तो उसमें मैक्सिमम पेनल्टी भी 7 साल तक कर दी, ठीक है, ड्रंक करके रफ ड्राइविंग करते हो और उससे किसी को इंजरी हो जाती है, तो ऐसे कुछ इतना बड़ा एक्ट है, तो एक दो छोटे छोटे आ रहे थे वो मैंने देखे कि कुछ बुलेट पॉइंट्स में इन्होंने चेंज करे थी, ठीक है, फिर उन्होंने तर्क ये दिया कि भाई ये बहुत पुराने एक्ट थे और उस समय के थे, तो हमें जब भी अमेंडमेंट आना होता था तो इनमें लाते थे, तो अभी वो अब जो क्रिटिसाइज कर रहे हो कह रहे कि भाई ठीक है अमेंडमेंट आया सही था, नाम तो ठीक ठाक रखते थे, जरूरी है क्या मतलब हिंदी में ही रखना था उनका नाम, क्योंकि हमारे यहाँ क्या दिक्कत हो जाती हिंदी में नाम होता है, इंग्लिश की वजह से नहीं दिक्कत हो जाती है, हमारा वो साउथ वाला पूरा अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनको वाक्य में ही नहीं आती हिंदी, ठीक है, तो हर चीज को जो इंडिया बताते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना काफी हद तक, कुछ स्टेटों में दिक्कत हो जाती है, जो हिंदी भाषी स्टेट है वहाँ दिक्कत नहीं आती, अपने राजस्थान एमपी वगैरह कोई दिक्कत नहीं, इधर साउथ वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा बोल जाता है, तो आपने कोई भी वहां से निकले थे लाइब्रेरी में से गारंटी में, ठीक है, कि अगर आपकी कंपनी वाइंडिंग अपने चली गई तो इस तरीके से आपको 3 जगह पे पैसे देने पड़ेंगे और आप 1 साल के लिए लाइबल हो अगले 1 साल के लिए, जिस दिन आप सीजेस टू बी मेंबर हो उससे 1 साल पढ़ो जरा, लिमिटेड बाय शेयर्स लाइब्रेरी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, अटल है वही रखा है, द लिमिटेड बाय गारंटी द अमाउंट ईच मेंबर अटेक, कितना पैसा अटेक करेगा नंबरिंग कर लेना, assets of the company में contribute करेगा where he is a member और one year after his season to be a member, जब वो member है और जब वो 1 साल में membership छोड़ देता उसके बाद भी वो liable है, यहाँ से numbering करना for the payment of debt number one, फिर number two cost and expense of winding up and number three adjustment for the right of contributing, right contributing के right भी इसमें example याद रखना जो मैंने अभी अभी कहा वाला कि मैंने 20,000 रुपए दे दिए 15,000 दे दे सवाल ये उनका है मैं 20 साल दे ही हो रहा हूँ मैं मेरी बन रहा है तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल क्रिएट करके बताया कि शायद ऐसा होता होगा कि जब एक मेंबर की किसी क्रेडिटर के साथ ट्यूनिंग हो और वो क्रेडिटर उससे ही पूरा पैसा मांग रहा है तो वो मेंबर बेचारा दे तो देता होगा बट वो अपना कॉन्ट्रीब्यूट भी दूसरे मेंबर से क्लेम कर सकता है, इट्स जस्ट लाइक जॉइंट लाइबिलिटी जो मैंने तुम्हें उसमें फाउंडेशन में पढ़ा कि जब आप जॉइंट लाइबल होते हो तो यू आर सेवरली लाइबल एंड सेवरली लाइबल एंड जॉइंटली लाइबल, तो जब जॉइंट लाइबिलिटी में एक बात बताई मैंने तुम्हें कहीं कोई एक जना अगर अपने पैसे दे देता है पूरे तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी से क्लेम कर सकता जल्दी, हाँ कंपनी हूँ मैं वो मेरे एक्ट के लिए लाइबल नहीं है लेकिन जो बात साफ साफ लिखी भी ऑब्जेक्ट क्लोज में तो वो लाइबल है, मेमोरेंडम और आर्टिकल में कोई बात लिखी भी है तो आप लाइबल नहीं हो और आप ऐसे भी मेरे लिए लाइबल नहीं हो पैसे तो आप कंपनी को ही दे रहे हो बेटा, पैसे तो आप कंपनी को ही दे रहे हो ये पैसा कंपनी को दिया जा रहा है, एडजस्टमेंट towards the right of contributory, contributory के rights के लिए adjustment करके आपसे पैसे दिए जाते हैं, जब तुझसे पैसे मांगेंगे तो तुझसे बोलेंगे कि तू किसके लिए पैसे दे रहा है, तू बोलेगा debt के लिए, winding up के लिए, member के लिए, तो तू दे दो company को right, company वो पैसे मुझे दे, अब अगर मान ले इसको ऐसे देखे कि तू ये कह रहा है member को मैं क्यों दूं, तो तू debt चुका देता अजीबा वाला तो भी तुम्हारी liability, आज अगर अजीबा की 20
लाख पहले चुका दिए तो यहाँ से तुम्हारी लाइबिलिटी तो 20 लाख से कम हुई है, नहीं होती तो तुम्हारी लाइबिलिटी 20 लाख से बढ़ जाती ना, तो वही मैं पैसे मांग रहा हूँ तुमसे जो मैंने दिए। तो तुम मैं तुमसे इंडिविजुअली कुछ मांग ही हो, कंपनी भी तुमसे इंडिविजुअली कुछ नहीं मांग रही, क्योंकि मैं अगर कंपनी के डेट चुका रहा हूँ तो वही तो डेट तुम्हें देते हैं, समझ गए। तो तीन चीजों के लिए आप लाइबल हो, फॉर द कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग अप, फॉर द डेट्स ऑफ टैक्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी एंड राइट ऑफ। कितने क्लोज हो गए, नेम ऑब्जेक्ट, नेम में तो बहुत लंबी लड़ रहा है, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं था, रजिस्टर ऑफिस में कुछ भी नहीं था, स्टेट का नाम लिखना है, लाइबिलिटी। अगला आ रहा है कौन सा, रिजर्वेशन नाम की भी बात हो गई। अगला आता है पेज टर्न करो आप 2.22 पे, जहां हमने रिजर्वेशन पूरा पढ़ लिया उसके बाद डोमेस्टिकल क्लोज है, ऑब्जेक्ट तो पहले दे ही दिया था, डोमेस्टिकल क्लोज भी पहले दे ही दिया था, रजिस्टर ऑफिस, फिर डॉक्ट्राइनो बटरा वायरस से पेज टर्न करो सब्सक्रिप्शन को। डॉक्ट्राइनो बटरा वायरस में तुम लोगों को बताया था कि कंपनी कोई भी वो काम नहीं कर सकती ऑब्जेक्ट क्लोज के बियॉन्ड में, इसमें रिची और एश्वरी रेन में कंपनी का केस था, एश्वरी रेन में कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था रिची के साथ, वो काम मेमोरेंडम में लिखा हुआ नहीं था, तो रिजी मेंबर्स ने कंपनी ने कहा कि हम लाइबल नहीं है क्योंकि मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, रिजी केस हार गया। लेकिन कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे वो बेचारे अच्छे लोग थे, सज्जन लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं और हम ये पैसे रिजी को देंगे क्योंकि रिजी का नुकसान हो जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट क्लोज में मेंशन किए। बट उस समय रुक ये था कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में जो लिखा हुआ ना हो कंपनी उसके बियॉन्ड जाके कोई काम कर ही नहीं सकती, ऑब्जेक्ट क्लोज को ऑल्टर नहीं कर सकते। आज प्रोविजन चेंज हुआ है, सिनेरियो चेंज हुआ है, आज ऑब्जेक्ट क्लोज भी इजीली ऑल्टर किया जा सकता है एसआर पास। तो पहले रूल ये था कि कोई काम हमें डायरेक्टर के लिए अल्टर वायरस है तो कंपनी उसे कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर, कोई काम अगर कंपनी के लिए अल्टर वायरस है तो डायरेक्टर उसे नहीं कर सकते क्योंकि वो अल्टर वायरस है बियॉन्ड द पावर्स ऑफ कंपनी। तो डायरेक्टर के एक्ट को कंपनी रेटिफाई कर सकती है, लेकिन कंपनी के एक्ट को डायरेक्टर या मेंबर कोई भी रेटिफाई अगर वो कंपनी के बियॉन्ड है तो। ये सब बातें डॉक्ट्राइन और बटरा वायरस में पढ़ी जाती है। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हुआ है, अब जो चीज कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं है और उसको भी शेयर होल्डर चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रेटिफाई, तो अब ये केस तो और इस कांसेप्ट का रेलेवेंस नहीं। ये बात हम लोगों ने पढ़ी इसीलिए डब्बे में दे रखा था। इसके बाद सब्सक्रिप्शन क्लोज, इसमें आपको बताना है कि जो भी आपके मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें जो मिनिमम शेयर दे दो, उन्होंने शेयर ले लिया और पैसा दे दिया। देयर शैल बी फाइल टू रजिस्टर विद ग्रुप रजिस्ट्रेशन प्रपोज्ड टू सिग्नेचर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ड्यूली साइन बाय ऑल द सब्सक्राइबर। आपको सब्सक्राइबर के साथ साइन करना है, देना है, और सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ ये इंटर मैकुलर पढ़ा था फाउंडेशन में, सब्सक्राइबर को ये बताना पड़ता है कि हमने जो शेयर दिए हैं उसका पैसा हमने दे दिया, ये लिखना होता है सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर ने जो शेयर लिए हैं वो शेयर कैसे इन्होंने दे दिए। और एक क्लोज और होता है नॉमिनेशन क्लोज, जो ओपीसी पे लाइबल ओपीसी पे लगता है जिसमें उसे नॉमिनी का नाम लिखना पड़ता है। ये आपका सेक्शन 4 सेक्शन 5 पे आप पढ़ लो। इसके बाद टेबल के नाम है, टेबल के नाम तो पढ़ लोगे ना, तो टेबल के नाम ए बी सी डी ई, पांच टेबल तो मेमोरेंडम की है और ई के बाद क्या आता है एफ जी एच आई जे, ये पांच टेबल किसकी है और वो पांचों का सीक्वेंस भी बिल्कुल सेम है। पांच में पहले आती है लिमिटेड बाय शेयर विद लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर, अनलिमिटेड नॉट हैविंग शेयर, अनलिमिटेड हैविंग शेयर, ऐसे पांच चली गई। ऐसे आर्टिकल में भी पांच है, पहली लिमिटेड बाय शेयर से इसमें भी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर, अनलिमिटेड नॉट हैविंग शेयर और अनलिमिटेड। अच्छा इसमें पहले शेयर्स है, इसमें पहले हैविंग है फिर नॉट हैविंग है, और उधर पहले नॉट हैविंग है और फिर बहुत मजा आया इनको ये करके, ठीक है। हालांकि यार फर्क पड़ रहा था, वहां पे सीक्वेंस सेम रख सकते थे। तो टेबल ए से लेकर कहां तक है जे तक, पांच टेबल किसकी है नंबर एंटर की पांच। अब ये जो पांच आर्टिकल की टेबल है ना इसको मॉडल आर्टिकल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं मॉडल आर्टिकल्स। तो अब आप बात करते हैं सेक्शन 5 आर्टिकल्स। मेरी तरफ देखो आर्टिकल में इतने क्लोज क्लोज नहीं होते, आर्टिकल के कोई कंटेंट ही नहीं होते कि नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ये आर्टर ऑब्जेक्ट क्लोज, लाइबिलिटी, ऐसा कोई क्लोज क्लोज नहीं होते। आर्टिकल्स का मतलब क्या है, जैसे ये चार्टर है, इट डिफाइन द स्कोप ऑफ कंपनी, दीज आर जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये बताते हैं आपको मेमोरेंडम की कंपनी क्या कर सकती है, आर्टिकल बताते हैं वो काम को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हाउ द एक्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, रेजोल्यूशन कैसे पास करने हैं, मीटिंग कैसे बुलानी है,
ये सब बातें किसने लिखी हुई है, लिखते हैं आर्टिकल। अब आर्टिकल के बारे में तीन चार कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो जल्दी से तो फिर रिव्यू करते हैं। पहला तो क्या, आप आर्टिकल के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखोगे। दूसरा, आर्टिकल में आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हो। एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है मेकिंग प्रोविजन मोर रेस्ट्रिक्टिव, यानी ध्यान दे आशी, यहां ध्यान दे बेटा, मेकिंग प्रोविजन मोर रेस्ट्रिक्टिव, प्रोविजन को और रेस्ट्रिक्टिव बनाना चाहते हैं यूजुअली आर इन केस ऑफ एसआर। तो एसआर में वो जितने रेस्ट्रिक्टिव है उससे भी ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव बनाना, तो एसआर में 75% कंसेंट चाहिए, तो उसको और रेस्ट्रिक्टिव बनाने के लिए 100% कंसेंट चाहिए या 90% चाहिए, मतलब रेस्ट्रिक्टिव बनाना। और रेस्ट्रिक्टिव क्यों बनाना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी चीज को इसको प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, किसको, क्योंकि सारी चीजें मेजॉरिटी शेयर होल्डर से हो जाती है। 75% लोग किसी चीज के लिए हाँ करेंगे तो उनका तो काम हो जाएगा, तो जो 25% लोग के साथ बुरा हो, बुरा तो क्या होगा, ऊपर लगेगा कि हमारी तो चलती नहीं है कंपनी, जो भी काम होता है 75% शेयर होल्डर हाँ कर देते। अब उनको एंट्रेंचमेंट डालना है तो वो आवाज उठा सकते हैं और कंपनी को एंट्रेंचमेंट डालना पड़ेगा। एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन फॉर्मेशन पे भी डाले जा सकते हैं, बाद में भी डाले जा सकते हैं। बाद में डालोगे तो प्राइवेट कंपनी में यूनैनिमस कंसेंट चाहिए और पब्लिक कंपनी में फिर एसआर चाहिए, तो अगर आप एंट्रेंचमेंट बाद में डालोगे तो फिर शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा और उसमें भी एसआर चाहिए, तो एसआर को भी 75% लोगे तो उनसे पूछ के उनकी पावर कम करोगे तो करने देंगे। तो एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन तो शुरू में डाले तो ही सही है, बाद में डाले तो फिर तो डालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक्ट आपको परमिशन देता है कि आप बाद में भी एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन, एंट्रेंचमेंट का मतलब याद रखना मेकिंग प्रोविजन मोर रेस्ट्रिक्टिव देन दोज एज एप्लीकेबल टू एसआर, मतलब जैसे एसआर में प्रोविजन होते हैं ना उससे भी रेस्ट्रिक्टिव बनाना। और रेस्ट्रिक्टिव क्यों बनाते हैं किसी चीज को, प्रोटेक्टिव बनाते हैं, किसी चीज में रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जाती है। अगर मैं आप पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि भाई आप ये मत करो, वो मत करो, मोबाइल मत चलाओ, फलाना ढिमक का इतनी देर पढ़ो, ये वो, मतलब रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे मेरे ऊपर, मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ फेयर होने से। ओके, तो कोई भी चीज को लेकर रेस्ट्रिक्शन कब लगाई जाती है, जब आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप मेरी तरफ देखो, फिर तो बल्कि सिंपल चीजें थी, बस एक पॉइंट बहुत बढ़िया था इसमें, मॉडल आर्टिकल्स वाला, कि अगर आपने मॉडल आर्टिकल्स को अडॉप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो आप मॉडल आर्टिकल्स को एक्सक्लूड या मॉडिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपने एक्सक्लूड भी नहीं किया, मॉडिफाई भी नहीं किया, तो मॉडल आर्टिकल्स के वो सारे प्रोविजन आपके एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे एज दे वर इफ इन योर रजिस्टर्ड आर्टिकल। जैसे मैंने आपको कहा था चार प्रोविजन आते हैं, आपके मान लो मॉडल आर्टिकल में 20 प्रोविजन लिखे हुए, उसमें से 10 तो आपने ले लिए और अपने हिसाब से वो 10 तो एज इट इज ले लिए, 5 आपने लेकर मॉडिफाई कर दिए, कि 5 में से आपने बोला ये 3 तो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे अपन, मॉडल आर्टिकल तो बोल है हम जैसे करेंगे इसको, और 2 में आप बोलोगे ये तो अपने एप्लीकेबल ही नहीं होते, जैसे तो कह रहा है इसको अपॉइंटमेंट करो मेरे पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो मेरे लिए 2 एप्लीकेबल, अभी भी 5 बचे, और 5 के बारे में आपने कुछ भी चर्चा नहीं की, तो 5 आप पे एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप मॉडल आर्टिकल्स को इग्नोर नहीं करो, आप उसे एक्सक्लूड करो, मॉडिफाई करो, एज इट इज अडॉप्ट कर लो, इग्नोर मत करो। अगर आपने कोई प्रोविजन के बारे में यहाँ लिखा ही और इग्नोर करना क्यों है, तो वहाँ मॉडल आर्टिकल में लिखा हुआ रेगुलेशन 21, आप लिखो रेगुलेशन 21 नॉट एप्लीकेबल, वहाँ लिखा है रेगुलेशन 22, रेगुलेशन 22 नॉट एप्लीकेबल, इतना सा लिखने में क्या जा रहा है। बट अगर कोई रेगुलेशन वहाँ है और वो आपके आर्टिकल में नहीं है तो वो आप एज इट इज अप्लाई, ये बहुत बढ़िया वाली अंग्रेजी में लिखा हुआ था, मुझे जल्दी पढ़ लेते हैं। पहला प्रिंट करने हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, दूसरा इंक्लूजन जिसमें कोई भी मेटर डाले एंट्रेंचमेंट, तीसरा यूजुअली आर्टिकल में भी ऑर्डर बाय पासिंग है साथ, बट एंट्रेंचमेंट मेक इट मोर डिफिकल्ट, एंट्रेंचमेंट मींस मेकिंग समथिंग मोर प्रोटेक्टिव। फिर इसके बाद ये लिखा हुआ था मैनर ऑफ एंट्रेंचमेंट, एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड आइदर ऑन द फॉर्मेशन, या तो आप शुरू में डाल सकते हो और बाय अमेंडमेंट या बाद में डाल सकते हो, लेकिन अमेंडमेंट करोगे तो प्राइवेट कंपनी में तो आपको 100% कंसेंट चाहिए और पब्लिक कंपनी में ऐसा चाहिए, बराबर लिखा हुआ है पूरा वर्ड टू वर्ड। फिर नोटिस, आप जब भी एंट्रेंचमेंट चेंज करोगे तो नोटिस देना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं छठे पॉइंट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन केस द कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस है, वो कंपनियों पे लगता है जो इस एक्ट के बाद आई है, पहले वाली में तो मॉडल आर्टिकल थे भी, तो पहले वाले में तो जो आर्टिकल बनाते थे भाई एसएस कराओ, 2013 के बाद की बात हुई है, तो जो कंपनियां 2000, भाई ये तो मैं रीड कर रहा हूं, समझा तो चुका हूं, रीड क्या धीरे करूं, 2013 के बाद जो कंपनियां रजिस्टर्ड हुई है, इन केस एनी कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो इन सो फार
रजिस्टर्ड आर्टिकल डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई, आपके रजिस्टर्ड आर्टिकल में कुछ रेगुलेशन एक्सक्लूड भी नहीं है मॉडिफाई भी नहीं है, ठीक है, जो मॉडल आर्टिकल में है एज देयर इन मॉडल आर्टिकल देन सच कंपनी दोस रेगुलेशन एप्लीकेबल टू बी द रेगुलेशन ऑफ दैट कंपनी इन सेम मैनर एंड सेम एक्सटेंट एंड देवर कंटेंट इन द रजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है। अगर आपके वो आर्टिकल्स जो आपने एक्सक्लूड भी नहीं किए मॉडिफाई भी नहीं किए वो रेगुलेशन जो मॉडल आर्टिकल में थे लेकिन आपने अपने रजिस्टर्ड आर्टिकल में एक्सक्लूड भी नहीं किए मॉडिफाई भी नहीं किए तो वो मॉडल वो रेगुलेशंस आपके ऊपर सेम पैनल और सेम एक्सटेंट में एप्लीकेबल हो जाएंगे, सेम पैनल और सेम एक्सटेंट में इसमें हाँ ऐसे इसमें डिफाइंड तो नहीं है किसी भी काम का इंटेंशन लगाया जा सकता है। आगे देखो सेक्शन 6 अब 6 एक्ट को ओवर राइट जल्दी जल्दी बता देता हूँ फटाफट सुन लें या तीनों चारों सेक्शन छोटे हैं वेट अप देखो सेक्शन 6 एक्ट 2 ओवर राइट मतलब आपने अपने मेमोरेंडम बना लिया आर्टिकल बना लिया भाई को बाद में टिक कर दे आराम से टिक कर लेना टिक करने में कुछ नहीं जाता जो भी हर चीज यही करनी फिर फिर कुछ करना होता सेक्शन 6 पहले ही कर लेना चाहिए था इनफैक्ट सेक्शन 6 एक्ट टू ओवरराइड आर्टिकल एंड मेमोरेंडम आपने अभी सेक्शन 4 में मेमोरेंडम पढ़ लिए सेक्शन 5 में आर्टिकल पढ़ लिए तो कह रहे भाई ये जो मेमोरेंडम और आर्टिकल है इसको तो एक्ट ओवरराइड कर जाएगा सेव एज अदरवाइज अगर एक्ट में कोई चीज लिखी हुई है जो मेमोरेंडम के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है तो एक्ट सर्व परे है सबसे ऊपर कौन है मेमोरेंडम में कुछ लिख दिया आपने आर्टिकल में कुछ लिख दिया बाहर ले जाए वो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें कुछ लिख दिया कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया किसी डायरेक्टर का एग्रीमेंट कर दिया बाहर ले जाए वो सबके सब बाहर ले जाए एक्ट सबसे ऊपर है एक्ट पढ़ाने से पहले ये बात बता दी सेक्शन 6 में स्टार्टिंग में बाद में बोलो तुम्हें लगता ये हमारे साथ छोड़ कर दी हमने तो पूरा पढ़ लिया हमने हमारे हिसाब से बना लिया ये बात आप 500वें सेक्शन में लिख रहे हो कि एक्ट ओवरराइड करेगा पहले लिख दिया पहले लिख दिया मेमोरेंडम बन के तुम्हारे आर्टिकल बन के खुश हो गए तुम तुमने ये सब बातें लिख दी अब सेक्शन 6 में लिखा हुआ है तो वो बातें जो एक्ट में ना हो मेमोरेंडम में मत लिख देना या जो एक्ट मना करता हो एक्ट में ना हो वो तो फिर भी लिख देना लेकिन जो एक्ट मना करता हो वो मत लिख देना क्योंकि उसमें चलेगी किसकी लेकिन ये शुरुआत ये होता है सेव एज अदरवाइज तो जहां एक्ट आपको अलाउ करता है कि आर्टिकल को पावर दी गई है कोई काम करने की वहां आर्टिकल के हिसाब से चलते हैं फिर वहां एक्ट के हिसाब से क्योंकि एक्ट ने स्वयं आपको तो उनका जो नॉमिनेशन है वो बकवास है मतलब बन ही नहीं सकता वो प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी के बने मतलब कितनी बावली सी चीज है रूलिंग पार्टी का एक आएगा एक वहां से आएगा तो जो वहां से आएगा वो बनेगा कैसे उसका सीट थोड़ी होगी तभी तो अपोजिशन है लेकिन बोला मान लो राज्यसभा में सीटें हो स्टेट में हो क्योंकि स्टेट के जो लोग होते हैं वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है कि रूलिंग पार्टी का बंदा हारा हो और अपोजिशन वाला प्रेसिडेंट बना हो आज तक तो नहीं हुआ ऐसा ठीक है तो अब ये प्रेसिडेंट बना तो कैसे बना रूलिंग पार्टी के पावर से बना है ना तो एक्ट ने पावर दी थी आपको बना अब ये बनने के बाद कोई भी चीज ऐसी कर रहा है जो उसके पावर में है तो फिर रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में भी जा रहा है तो रूलिंग पार्टी की प्रोसेस वाले हमने बनाया है और हमसे ही बगावत हमारी विधि अभी से नहीं आऊंगी ठीक है हमने तो बनाया हमने नॉमिनेट किया ना हमने नॉमिनेट ना तो आप ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी तो नॉमिनेट कर दी उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी काम करना वो तो करेगा ठीक है तो अगर कोई एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं खुद एक्ट ने ही बोला है कि ये काम आप आर्टिकल के हिसाब से करो तो आर्टिकल के हिसाब से करो फिर वहां पे एक्ट ये नहीं बोल सकता ये काम आप कैसे कर रहे हो ठीक है ये बात तो एक्ट ने लिखी भी नहीं आपने ये काम करने की पावर आर्टिकल को दी थी ना तो आर्टिकल में लिख दिया हमने ये काम हम ऐसे करेंगे अब हम तो ऐसे ही करेंगे जैसे हमने आर्टिकल में ये कब जब एक्ट आपको पावर दे आगे देखो अंडरलाइन सेव एज अदरवाइज से शुरू होता है The provision of this act shall have effect not withstanding anything. कुछ भी लिखा हुआ अंडर मेमोरेंडम में आर्टिकल में एग्रीमेंट में रिजोल्यूशन में बोर्ड मीटिंग में कहीं पे भी तुम्हारी ऐसी तैसी कुछ भी लिखा हुआ हो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी
मेमोरेंडम आर्टिकल सॉरी एग्रीमेंट कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ हो सबके सब व्यर्थ है, एक्ट सबको ओवरराइड कर जाएगा, एक्ट सबको। लेकिन अब इसका सबसेक्शन टू, एनी प्रोविजन कंटेनिंग द मेमोरेंडम व्हिच आर इन कॉन्फ्लिक्ट, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ है तो बिकम वॉइड, वो क्या माने जाएंगे। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, the provision of this act has overriding effect, but keep in mind that the section start with save as otherwise. Section शुरू कैसे होता है? मतलब अगर act says that article is superior, then it will be treated accordingly. क्योंकि अगर act में खुद ही बोल दिया कि article superior है, बस जो। अभी जैसे आपका वो कौन सा वोटिंग पावर आपको बताया था कि अगर आर्टिकल में ऑथराइज हो, डीबीआर आर्टिकल में ऑथराइज हो तो ही दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते। अब एक्ट में तो लिखा हुआ है डीबीआर दो, लेकिन पहले ही कहीं क्या है, आर्टिकल द्वारा ऑथराइज होने चाहिए, आर्टिकल में लिखा हो तो पावर आर्टिकल अंडर राइटिंग परमिशन। शेयर्स की केस में देना होता है कितना, 2.5% या 5% जमीन केस में है, और रेट पेंशन इन आर्टिकल व्हिच एवर इज लोअर या हायर, तो यहां आर्टिकल आपका नीचे हो गया एक्ट ऊपर हो गया। अब आपने आर्टिकल में 10 लिख दिया लेकिन एक्ट पे 2.5 है, तो फिर तो दो एग्जांपल, तो कहीं पे एक्ट ने आर्टिकल को सुपीरियर माना है, कहीं पे एक्ट ने आर्टिकल को इंफीरियर माना है, लेकिन एक्ट ने जैसे बोला है वैसे करो। आगे सेक्शन 6 हो गया, ठीक है, ये टाइमिंग क्या चल रहा है इसमें, 56. चलो छोड़ो, कल बाकी खराब नहीं होगा।